आखिर ये डेविल्स आइलैंड है कहाँ? बहुत पुरानी बात है, एक बार किसी जगह पर मित्सी और हिरोशी रहते थे। एक बार मित्सी कपड़े धोने के लिए नदी पर गई और हिरोशी लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए पहाड़ी पर गया। वॉशिंग मशीन के बिना कपड़े धोना कितना मुश्किल है। उसी वक्त एक बहुत बड़ा सा आड़ू तैरता हुआ नदी में आ गया। अरे ये क्या है? और आड़ू तैरता हुआ नदी में आगे चला गया। अगर आसपास में कोई लॉन्ड्री ना हो तो कपड़े धोने में कितनी मुश्किल हो जाती है। उन्होंने उस आड़ू को पकड़ लिया। उस आड़ू के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। तब मोमोटारो ने उस शैतान के बारे में सुना जो लोगों को सताता था। ठीक है, मुझे ही उसे खत्म करना होगा। और वो उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ा। अरे किस तरफ जाऊं? वो राक्षस मुझे कहाँ मिलेगा? कजामा। अरे तुम तो सच में कजामा ही हो। अरे मैं कजामा नहीं हूँ, मैं हूँ मोमोटारो। ओहो, अच्छा तो तुम मोमोटारो हो। ऊपर चढ़कर क्या बात कर रहे हो, नीचे आकर बात करो। और बताओ मोमोचान। मोमोचान? मोमोचान नहीं, मोमोटारो। ठीक है, मैं तुम्हें मोमोटारो बुलाऊंगा, पर मुझे पहले एक लड्डू चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तुम्हें मेरे साथ इस तरह की बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए, समझे? इसीलिए मैं शैतान को खत्म करने जा रहा हूँ। तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है नहीं कहते। कहते हैं फिर मिलेंगे, जब कोई जाता है तो उसे ऐसे ही कहा जाता है, समझे? मैं सब जानता हूँ। अगर जानते हो तो सही क्यों नहीं बोलते? मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे हो तुम, बताओ। ओहो। एक काम करो, तुम जाओ लोगों से रास्ता पूछो और आकर मुझे बताओ, समझे तुम? तुम ये सब क्या पूछे चले जा रहे हो? मैं तो रास्ता पूछने के लिए उनसे दोस्ती कर रहा था, तुम्हारी मदद के लिए। इसे मदद करना नहीं कहते हैं। उफ़, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं से क्या मतलब? सुनिए। क्या करूं मैं? मैं क्या तुम एक डॉग हो? ऐसे पूछोगे तो वो डर जाएगा। तुम इससे डरो मत, ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता है। अच्छा ये बताओ कि तुम आए क्यों हो? दरअसल मैं तुमसे वो डंपलिंग लेने के इरादे से यहाँ आया था। ये तो लड्डू को डंपलिंग बोल रहा है, इसे दे दो। मेरे पास कोई डंपलिंग नहीं है। तुम इन कमजोर लोगों को क्यों सता रहे हो? मैं तो किसी भी कमजोर को नहीं सता रहा हूँ। तुम्हारी तो आवाज सुनकर कोई डर जाएगा, समझे मोमोचान? तुम चुप रहो, तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैं उस डेविल आइलैंड पर राक्षस को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो साथ चल सकते हो। ठीक है, मैं भी चलूंगी। तुम लोगों का शुक्रिया, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, तो तैयार हो? सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। इसके पीछे नहीं, मेरे पीछे आओ। अच्छा क्या तुम्हें पता है कि राक्षस कहाँ रहता है, बताओ? वो राक्षस समुद्र के उस पार रहता है। क्या सच में? मुझे तो बस डॉगी वाला तरीका मालूम है। पर मुझे तो डॉगी वाला तरीका नहीं मालूम है, मैं तो एक बंदर हूँ, सिर्फ लटकना जानता हूँ। देखो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वहाँ जाने के लिए हमें समुद्र को पार करना होगा। मैं समझ गया, मैं कहीं से एक बोट का इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन ये बोट मुझे मिलेगी कहाँ? दूर दूर तक कोई बोट नजर नहीं आ रही है। मिल गई। सुनिए, क्या ये बोट आपकी है? हाँ है। देखिए मेरा नाम है मोमोटारो और मैं और मेरे दोस्त एक राक्षस का खात्मा करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या आप हमें अपनी वो प्यारी बोट हमें दे सकते हैं? अच्छा तुम ले। मैं समझ गया, आप हमें अपनी वो बोट देना चाहते हैं, तो मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। तो हमें किस तरफ जाना होगा? बहुत अच्छे मोमोचान, थोड़ा दाएं चलो, अब थोड़ा बाएं। नहीं, नहीं,
अरे सही तरीके से बताओ ना। बाय बाय चलो। अरे एक बार बोलो ना किस तरफ जाना है। नहीं, अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना चलो उधर से चलो। डेविल का आइलैंड उस तरफ है। ये रेगिस्तान है और रेगिस्तान में शैतान का आइलैंड कैसे हो सकता है? इसमें ओहो वाली कौन सी बात है? हम एक ना एक दिन उस आइलैंड का पता लगा ही लेंगे। मुझे यकीन है एक बार तुम लोग पोल्स तक पहुंच गए तो बहुत मजा आएगा। अरे चुप रहो। और इस तरह से मोमोटारो और उनका ग्रुप पोल्स तक पहुंच गया। इसके आगे की कहानी अपनी मामा या पापा से सुनना। ओके okay?